जमुरे कान खजूरे जी गुरुजी। यही रुक जाओ, मुझे इस जंगल से इच्छाधारी नागिन की बू आ रही है। तो ये तो बहुत ही शुभ संकेत है गुरुजी। तो एक काम करो, अपना डेरा यहीं डाल लेते हैं। ठीक है गुरुजी। इसके पास तो मनी भी होगी, फिर तो यहीं ठहरने में फायदा है। तो तुम एक काम करो, अपना डेरा यहीं डाल लो, मैं जब तक घूम कर आता हूँ। ठीक है, ठीक है गुरुजी। रुको बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? इसी गांव के रहने वाले हो क्या? नहीं बाबा, मैं इस गांव का नहीं हूँ। मेरा नाम आकाश है बाबा, मैं एक परदेसी हूँ, यहाँ घूमने के लिए आया हूँ। बेटा, हम तुम्हें ये ताबीज देते हैं, जब कभी हमारी जरूरत पड़े तो इसे हवा में 3 बार लहराना, हम तुम्हारे सामने होंगे। ये रखो। अच्छा बाबा, पढ़ना। जीते रहो बेटा। ठीक है काम हो जाएगा। हाँ क्या बदतमीजी है, कौन है तुम? अभी पता चल जाएगा तुम्हें कौन हूँ मैं। प्याज लगा के मुनीम जी, रहने दो, बच्चा है बेचारा, मर जाएगा, छोड़ दो। सरकार, आपके सामने कोई बटन खोलकर चले ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, ब्याज लगा के। अबे चिरकुट, कौन है बे तू? हमारे गांव में सीना खोलकर चलने की तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई? हमारा नाम ठाकुर भैरव सिंह है और इस गांव पर हमारा हुक्म चलता है। ठीक है सरकार, अब की बार माफ कर दो, मैं इस गांव में पहली बार आया हूँ, आगे ऐसा नहीं होगा। चला जा ब्याज लगा के। हेलो जी, मैं। जी हाँ, आप जरा इधर आइए। जी बोलिए, क्या कहना है? लगता है आप इस गांव में नए नए आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश है और मैं इस गांव में नया आया हूँ। आपने मेरे विषय में तो सब कुछ पूछ लिया, आप अपने बारे में तो कुछ बताइए। जी मैं यहीं की रहने वाली हूँ, मेरा नाम वर्षा है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अच्छा अब मैं चला। अच्छा सरकार, अब मैं चलूं ब्याज लगा के। अरे मुनीम जी चले जाना, लेकिन जाने से पहले ये तो बताओ, उस कमीने कल्लू पर कितना लगान बकाया है? जी सरकार, अभी बताया। देखकर बताओ। ब्याज लगा के। सरकार, उस पर पैसे 11,305 रुपया, 3 नए पैसे, ब्याज लगा के। अच्छा जुमरो सरकार। जाओ उस कल्लू किसान को पकड़कर हमारे सामने लाओ। जाओ। जयराम जी की मालकी। जयराम की मालकी। आज किसका नंबर है? आज तो कल्लू किसान का नंबर है मालकिन, ब्याज लगा के। तुम्हें इन गांव वालों पर जुल्म करते हुए शर्म नहीं आती? तुम फिर आ गई ना हमारे काम में दखल देने के लिए। तुम्हें कितनी बार कहा है कि हमारे काम में दखल मत दिया करो, पर तुम्हारे भेजे में आए तब ना। इन गरीबों की हाय लेना कोई अच्छी बात नहीं, तुम्हारे ही कर्मों के कारण आज तक मेरी कोख नहीं भरी। अपनी जबान को लगाम दो वरना। तुम क्या करोगे, गालियाँ ही दोगे ना, और तुम गालियों के सिवा कर भी क्या सकते हो? जिस दौलत पर तुम राज कर रही हो ना महारानी, वो इस जालिम की ही देन है। तुम क्या चाहती हो कि हम भीख मांगे, लोग हम पर थूके? ये हमसे बिल्कुल नहीं होगा लक्ष्मी। अब लोग कौन से तुम्हारी पूजा कर रहे हैं? तुम्हें पूजा कराने का इतना ही शौक है तो तुम अपनी पूजा कराओ, मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। अरे ठाकुर कहाँ चल दिया? जाने दो मुझे। मेरे भरता।
छोड़ के घर बार छोड़ के घर बार छोड़ के घर Yes. Yeah. Yeah.
भाई ठाकुर साहब मजा आ गया। क्यों विधायक साहब, आज आप डिस्को क्या ले गए? विधायक साहब, ठाकुर का काम ऐश करना और ऐश कराना है। विधायक साहब, हमें तो आपसे एक काम था। कहिए ठाकुर साहब। वो जो अचकुल वाली बिल्डिंग का मैटर है वो उलझा पड़ा है, सीबीआई वालों ने परेशान कर रखा है। अगर इसमें आप कुछ करवा सकते हो तो करवा दो। भाई ठाकुर साहब, ये हमारे कमिश्नर सीबीआई से आपके बीच में है, ये अपने ठाकुर जी हैं। ठाकुर साहब, उस बिल्डिंग को गिरने से 50 लोगों की मौत हुई थी, क्या याद है आपको ये बात? एसपी साहब, क्यों चिंता करते हो, बोलो कितनी पेटियां चाहिए? ठाकुर साहब, मेरा मीटिंग का समय हो गया है, आपका मसला फिर कभी ले। राम राम सरकार, ब्याज लगा के। राम राम मुनीम जी, बैठो। हाँ मुनीम जी, वो कल्लू नहीं आया क्या? कल्लू अभी आते ही होगा सरकार, ब्याज लगा के। सरकार इस बार माफ कर दो, मैं अगला उधार सारा पाई पाई चुका दूंगा। मुनीम जी। जी सरकार। इसका अंगूठा लगवा। जी अभी लगवाया सरकार, ब्याज लगा के। जमीन मेरी माँ है ठाकुर, मैं उसे नहीं हड़पने दूंगा। ये गांव ठाकुर भैरव सिंह का है और यहाँ हमारा हुकुम चलता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा ठाकुर, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसे इतना मारो कि ये अंगूठा लगाने पर मजबूर हो जाए। ले जाओ इसे ब्याज लगा के। जी मुनीम जी। ऐसा मत करो सरकार, ऐसा मत करो सरकार। हाँ भाई, शांत होके बैठो। आज हम आपको ऐसे सांप दिखाएंगे जो आपने जिंदगी में कभी देखे ही नहीं होंगे। तो ठीक है खजूरे। हाँ भाई जमूरे, हो जा शुरू। तो संभालो मेरी ढूंढ़ी। सुनो सुनो सुनो, तुम जरा बीन बजाओ और मैं नाचूंगी। We'll be right back.
राम जादी घर में ताला लगा के यहाँ अपने यारों के साथ रोमांस कर रही है। जरा तमीज से बात करो, मैं आपकी बीवी, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे साथ बदतमीजी से पेश आओ। मुझे तमीज सिखाएगी? तू भी कहीं ही बजा दे इसे, इतने में रूस भी गया। खजा हो जमूरे मका, कल तो छमिया ने ढूंगे बहुत जोरदार मारे। अरे बैत भी तो बड़े जोरदार मारे, पर बात एक है। हाँ। बात कुछ भी हो। हाँ। पर समान बहुत जोरदार था। मेरे दिल की मत पूछ जमूरे। हाँ। इब्बी भी उसकी तस्वीर मेरी आंखों के सामने। तेरा भला हो। हाँ। अच्छा, और तो यार एक बात तो बता। हाँ। अब हम कर भी क्या सके? अरे कर तो बहुत कुछ सके अगर तू मेरा साथ दे तो। भाई साथ देने वाली बात है तो खुल के बता तू। ले तो सुन, क्यों ठीक है ना बेटे, मजा आ जाएगा फिर। बिल्कुल तो, आज रात को ही करते हैं इस काम को। चल शुभ काम में देरी के। चलिए चलिए। अरे आप, ओह वर्षा जी, आप कैसी हैं? आकाश, जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे ऐसे भी लगता है कि हम, मुझे नहीं मालूम था कि हमारी दोबारा भी मुलाकात हो पाएगी। चलो हम कुछ देर बैठ के बातें करते हैं। सच तो है वर्षा, हम भी तुम्हें दिल से चाहते हैं। हमें भी आपको पहली नज़र में प्यार हो गया था आकाश, तुम यकीन नहीं कर सकते कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। आई लव यू आकाश। आई लव यू टू वर्षा।
सहरा बांध के आऊं सजनी डोली में ले जाऊं। मैं तो तड़फूं रात रात भर तुझको अपना बनाऊं। सहरा बांध के आऊं सजनी डोली में ले जाऊं। मैं तो तड़फूं रात रात भर तुझको अपना बनाऊं। तू मेरी मैं तेरा जानम दुनिया से क्या डरना। तू मेरी मैं तेरा जानम दुनिया से क्या डरना। मेरे सपनों में तुम आते हो। मेरे सपनों में तुम आते हो। मेरे सपनों मैं तुम आते हो। मेरे सपनों में तुम आते हो। अच्छा तुम्हें चलती हूँ आकाश, थोड़ी देर और रुक जाओ वर्षा। इतनी सुंदर लड़की हमारे गांव में, अब तो सरकार को बताना ही पड़ेगा ब्याज लगा के। अच्छा तो आकाश मैं चलती हूँ, माँ घर पे इंतजार करेगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मगर कल फिर आना। आई लव यू आकाश, बाय। गुरुजी आज सोना नहीं है क्या? नहीं, मेरी आज कुछ तबीयत खराब है। अरे गुरुजी आपका कौन सा गेर बक्सा खराब हो गया? बेटा आज मेरे सर में बहुत दर्द है। एक काम करो, तुम दोनों चिलम भर के लाओ और तू मेरा सर दबा। जी गुरुजी। जी गुरुजी।
ला गुरु जी, मैं आपका सर दबा देता हूँ। अरे मूर्ख, इस पत्थर से मेरा सर दबाएगा क्या? हाँ जी गुरु जी, ये सर दर्द का सही इलाज है, न रहेगा सर न रहेगा दर्द। दूर फेंक इस पत्थर को। अरे तस्सी मार डाला। ले आए लो गुरु जी, लो गुरु जी चिलम पियो। अरे बेवकूफो, क्या मिला के लाए हो इसमें? गुरुजी कुछ नहीं, सिर्फ एक मिर्ची का टुकड़ा था। दूर हटो उससे। नहीं गुरुजी, हमें माफ करो गुरुजी। अरे मुझे मारोगे क्या? अरे नहीं गुरुजी, जब तक हमें माफ नहीं करोगे हम ना छोड़ेंगे। आपने माफ किया, छोड़ो मुझे। अरे जमूरे। हाँ कन खजूरे। अरे वहाँ चलना है या नहीं? अरे चलना तो गुरुजी को तो देख ले, सो में आंख जाग गए। चल तो गुरुजी को देख के चलो। चल चलो देखते हैं। गुरुजी गुरुजी, अरे दस्सी को तो देख ले, सो में आंख जाग गए। ये तो सो रहा है। चल चलो। हाँ जमूरे, घर तो यही है बस। हाँ घर तो यही है, चल जल्दी कर आगे, तू ही चल। अबे रात को सोने भी नहीं देती। जयराम जी की सरकार, ब्याज लगा के। जयराम जी के मुनीम जी, बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं आज आप, क्या बात है? सरकार आपके मतलब का बात लाया हूँ, बोलो तो बताऊ ब्याज लगा के। अच्छा, अरे ब्याज ही लगाता रहेगा या कुछ बताएगा भी?
सरकार आज गांव में है ना, मैंने उस लड़के के साथ ऐसी लड़की देखी जो सुंदरता में अप्सराओं से भी ज्यादा हसीन है। अगर उसको कोई एक बार देख ले तो बूढ़ी हड्डी में भी जोश आ जाए सरकार, ब्याज लगा के। उसमें ऐसी कौन सी बात है जो औरों में नहीं? सरकार उसकी है ना झील सी आंखें, काली काली जुल्फे, संगे मरमर सा बदन। सरकार अगर आप कहे तो उसको आज ही दिखा देता हूँ ब्याज लगा। हमें यकीन नहीं आता मुनीम जी कि हमारे गांव में ऐसी कोई सुंदर लड़की हो जो हमने ना देखी हो। देखिए मुनीम जी, अभी तो हम कलेक्टर साहब के यहाँ मीटिंग में जा रहे हैं, हम शाम को 4 बजे आएंगे तब देखेंगे। चलो ड्राइवर। हाँ वर्षा मैं आ गया। आकाश मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे होते हुए डरने की क्या बात है वर्षा? पता नहीं आकाश, मुझे डर लगता है कि हम एक दूसरे से कोई अलग ना हो जाए। जालिमों में एक दूसरे से अलग न कर दिया आकाश। तुम भी कैसी पागलों सी बातें करती हो वर्षा, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है जो कोई हमें अलग करेगा? ये दुनिया बड़ी जालिम है आकाश, यहाँ उसी का बिगड़ता है जो किसी को कुछ नहीं बिगाड़ता। नहीं वर्षा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। चलो वर्षा यहाँ से कहीं और चलते। और हम इसकी लैला से मिलके आते हैं।
हम है ठाकुर भैरव सिंह। कहाँ ले जा रहे मेरे आकाश को? कमीने कौन है तू? हट जा मेरे रास्ते से। अरे चले जाना, लेकिन हम में ऐसी कौन सी कमी है कमियां? लड़की जवान को संभाल कर बात कर, हम इस गांव के ठाकुर भैरव सिंह है, भैरव सिंह, भैरव सिंह। पकड़ा ले। लड़की कहाँ गई? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? चलो यहाँ से, चलो चलो। जूली, जूली कहाँ हो तुम? दरवाजा खोलो ना ब्याज लगा के। जूली, जूली कहाँ हो तुम? दरवाजा खोलो ना ब्याज लगा के। जूली कहाँ हो? जूली दरवाजा खोलो ना ब्याज लगाते। आज आप इस वक्त कैसे आ गए? मेरे आने से तुम्हें तकलीफ हो गई ब्याज लगा के? भला इसमें मुझे क्या तकलीफ हो सकती है? मैं तो आज और भी खुश हूँ। क्यों, ऐसी कौन सी खुशी की बात है ब्याज लगा के? बड़े मुद्दतों के बाद आज तुम्हारे साथ समय बिताने का मौका जो मिला है। अरे ये सब बात की बातें हैं, पहले आराम तो कर लेने दो। अब आराम किसे हमें जी? पहले एक गिलास पानी तो पिला दो ब्याज लगा के। ब्याज तो आप ही लगाते रहे मुनीम जी, मैं तो सिर्फ जी भर के प्यार करूंगी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी अभी आया ब्याज लगा के। अच्छा जूली, मुझे जाना होगा ब्याज लगा के। जल जल मरूं, जल जल मरूं, जल जल मरूं पिया, जल जल मरूं। कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं हो रानी, कैसे करूं तेरे से प्यार, बोलो कैसे करूं तेरे से प्यार, बोलो कैसे करूं। जल जल मरूं, जल जल मरूं, जल जल मरूं पिया, जल जल मरूं। इश्क में तेरे मैं तो जल जल मरूं, इश्क में तेरे राजा जल जल मरूं। जल्दी सुबह
कैसे करूं हो रानी कैसे करूं तेरे से प्यार बोलो कैसे करूं तेरे से प्यार बोलो कैसे करूं हाजी हाजी पढ़ता कहना जब कहते जब घर आ जाऊं यू मेरी मजबूरी है ना कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं हो रानी कैसे करूं तेरे से प्यार बोलो कैसे करूं तेरे से प्यार बोलो कैसे करूं तेरे से प्यार बोलो कैसे करूं जल जल मरो जल जल मरो जल जल मरो पिया जल जल मरो इश्क में तेरे राजा जल जल मरो इश्क में तेरे राजा जल जल मरो तेरे से प्यार बोलो कैसे करूं इश्क में तेरे राजा जल जल मरो तेरे से प्यार बोलो कैसे करूं इश्क में तेरे राजा जल जल मरूं तेरे से प्यार बोलो कैसे करूं इश्क में तेरे राजा जल जल मरूं चल बे खड़ा हो ठाकुर साहब आए अबे तेरे को तमीज ही सिखाई किसी ने मार बता दे अड़ामी कल तेरे साथ तो छमिया कौन थी कौन किसकी बात कर रहे हैं आप जिसके साथ कल हंस हंस कर बातें कर रहा था सरकार उस लैला के बारे में पूछ रहे हैं ब्याज लगा के अबे बताना कौन थी वो पहले मुझे बताओ मुझे यहाँ क्यों रखा गया तेरी आरती उतारने के लिए ब्याज लगा के
सरकार ये ऐसे नहीं मानेगा, इसका कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। ठीक है तो इसका इलाज कर दो। हेलो, हाँ जी, हाँ सर, हाँ सर, हम पहुंच रहे हैं, अभी पहुंच रहे हैं सर। सरकार द्रौपदी जी का फोन आया, लगता है बेहोश हो गया, चलो चलते हैं। जुबान खोली कि नहीं? नहीं सरकार, अभी तक उसने कुछ नहीं बोला। क्या क्या मतलब? सर वो कुछ भी बताने को कहने को तैयार नहीं है। एक आदमी की जुबान नहीं खुलवा सकते, भैरव सिंह के कहर के आगे तो पत्थर भी बोलते हैं। वो तो फिर भी एक इंसान है, बोलेगा, जरूर बोलेगा। सरकार वो जब भी होश में आता है हम उसे पूछताछ करते हैं, लेकिन मजारे कुछ बोलते ही। आप कहीं उसे खत्म कर दो? नहीं, उसे जिंदा रखो। उस लड़की का पता तो वो ही बताएगा। सरकार आखिर उस लड़की में ऐसा है क्या? वो लड़की, वो तो कुछ बोलते नहीं है। सरकार बोलते नहीं है, क्या हुआ? तुम लोगों से एक आदमी की जुबान नहीं खुलवाई जाती, किसने पाल रखा मैंने तुम्हें? ठाकुर को ना सुनने की आदत नहीं है। उसे इतना मारो कि उसका शरीर साथ छोड़ दे, लेकिन जुबान खुले तो सिर्फ हमारे हाथ में। नमस्ते। नमस्ते, कहो कैसे आना हुआ मोहतरमा? आज आपको हमारी याद कैसे आ गई? बस यूं ही घूमती फिरती चली आई। तो लगता है जिद का भूत उतर गया ना सर? हाँ ठाकुर साहब, मैंने रात भर सोचा कि कहाँ वो और कहाँ आप। आप जैसा चाहने वाला तो मुझे कभी कोई मिलेगा, क्यों ना मैं आपके पहलू में आ जाऊँ। कल के लिए मैं माफी चाहती हूँ। अरे रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे कोई है? जी सरकार, जाओ और जाकर जश्न का इंतजाम करो। अभी लाया सरकार। आपको तो इसमें कोई ऐतराज नहीं है? नहीं नहीं, मुझे क्या ऐतराज हो सर? जय राम जी की सरकार, ब्याज लगा के। जय राम जी की। आइए बैठिए। सरकार आज चांद की दर्शन निकल गया ब्याज लगा के। मुनीम जी, आप भी 24 घंटे ब्याज लगाते रहते हैं, वो भी ब्याज लगा। सरकार फिर से जश्न की तैयारी की जाए? जश्न का इंतजाम हमने करा दिया है। ठीक है सरकार, ब्याज लगा के। अरे झुमरू, अरे झुमरू भाई, ये सामान उठा कर उधर रख दे, हमें परेशानी हो जाएगी। ब्याज लगा के। जश्न का इंतजाम तो हो गया, लेकिन मालकिन? मालकिन तो अपने मायके गई है। लीजिए सरकार। मुनीम जी आप लीजिए। पहलवान जी हो जाए, लीजिए ना, इन्हें भी दे दीजिए। आप नहीं देंगे क्या? चाचा, चाचा,
मुनीम जी लगता है तेरे को चढ़ गई है। नहीं सरकार, जब ये लड़की इधर से उधर गई तो शीशे में लड़की की जगह सांप दिखाई दिया। अगर आपको यकीन नहीं आता तो इस लड़की को शीशे के सामने बुलाकर देखो ब्याज लगा के। ठीक है देखते हैं। ए लड़की इधर आओ। नहीं झूठ बोल रहा है। सरकार इस मुनीम ने तो मरवा दिया है, अब कोई तरकीब निकालनी होगी। सतेरे सरकार कोई हमें इस नागिन से बचा सकते हैं ब्याज लगा के। ठीक है चतुरों के पास ही चलो। अरे गुरु जी। हाँ बोल बेटा दसी। वो तीन चार देखो कौन आ रहे वहाँ सामने से। अरे उन्हें कोई गांव वाले छोड़ भी यार। अच्छे खासे लोग लग रहे हैं। राम राम गुरु जी प्याज लगा के। राम राम जी राम राम। कहिए कैसे आना हुआ। ये हमारे गांव के चौधरी भैरवनाथ सिंह जी है और आपसे मिलना चाहते हैं। भैरवनाथ सिंह जी। हाँ जी प्याज लगा के। आपने क्यों तकलीफ की आने की, हमें बुलवा लिया होता। ऐसी कोई बात नहीं, हमें आपसे काम था तो हम आ गए। हम ना चीज सपेरे आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। गुरुजी हमारे पीछे एक इच्छादाई नागिन पड़ी हुई है जो हमें डसना चाहती है, आप हमें उससे बचा लो। अच्छा तो ये बात है जी। वो मंदिर के पास वाले जंगल में रहती है, याद लगा के। आप जरा दक्षिणा का इंतजाम कर दें, हमारे गुरुजी सब ठीक कर देंगे। जैसा आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा।
जिद्दी सपेरा तेरे लिए डाला डेरा, तेरे लिए डाला डेरा। उसने ऐसा क्या कर दिया जो तुम उसके प्राणों को लेना चाहती हो?
अच्छा तो यह बात है, जगन्नाथ हमेशा सच्चाई के साथ रहता है। अब जाके उससे अपना बदला लो।